अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का नया लाइसेंस खरीदा है। जब आप टैली प्राइम डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसे स्टार्ट करते ही सबसे पहले लाइसेंस की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर आपको लाइसेंस से संबंधित चार ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। यदि आप टैली प्राइम खरीदने से पहले इसे ट्राई करना चाहते हैं या फिर इस प्रोडक्ट का उपयोग कैसे करें ये सीखना चाहते हैं तो आप इसके एजुकेशनल वर्जन का निःशुल्क यानी बिना किसी शुल्क के उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें कि इसमें टैली प्राइम की सारी सुविधाएं तो मिलती हैं, पर इसमें केवल 3 तारीखों में ही काम कर सकते हैं, 1, 2 और 31। दूसरा ऑप्शन है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। इसकी सहायता से आप टैली का मल्टी यूजर यानी कि गोल्ड वर्जन, जिसमें एक ही समय पर सर्वर की सहायता से कई कंप्यूटर्स उपयोग कर सकते हैं, उसके एग्जिस्टिंग लाइसेंस को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। यदि आपके पास पहले से ही सिंगल यूजर यानी सिल्वर लाइसेंस है तो इस ऑप्शन की मदद से आप उसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं। चौथा और आखिरी ऑप्शन है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। यदि आपने टैली प्राइम का नया मल्टी यूजर यानी गोल्ड लाइसेंस या सिंगल यूजर अर्थात सिल्वर लाइसेंस खरीदा है तो उसे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस की मदद से एक्टिवेट कर सकते हैं। हमने टैली प्राइम का नया सिल्वर लाइसेंस खरीदा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस की सहायता से कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर माउस से क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा यू नीड एडमिनिस्ट्रेटर राइट टू परफॉर्म दिस एक्शन, और इसी के नीचे लिखा है डू यू वॉन्ट टू रीस्टार्ट टैली प्राइम विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। इसका मतलब ये है कि क्या आप एडमिनिस्ट्रेटर्स राइट्स के साथ टैली प्राइम को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। या तो आप माउस से यस पर क्लिक करें या फिर एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही हो सकता है कि इस तरह का मैसेज दिखाई दे जिसमें आपसे परमिशन मांगी जा रही हो। हम यस पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही एक्टिवेट लाइसेंस की स्क्रीन सामने आ जाएगी। यहाँ हम आपको बता दें कि जब आप टैली का लाइसेंस खरीदते हैं तो आपके दिए हुए ईमेल आईडी पर आपको सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की भेजी जाती है। ये खास बात हमेशा ध्यान रखें कि टैली से कॉरेस्पोंडेंस करते समय और लाइसेंस की किसी भी प्रक्रिया के दौरान एक ही ईमेल आईडी का उपयोग करें। विशेष रूप से ये भी ध्यान रखें कि वो ईमेल आईडी चालू हो और उसको टाइप करते समय स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ऐसा होने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओपन हुए इस स्क्रीन में आपको सबसे पहले सीरियल नंबर डालना है। ध्यान रखें ये सीरियल नंबर ही आपके सॉफ्टवेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहलाता है। इसे डालने के बाद एंटर प्रेस करें। यहाँ पर आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को खरीदने पर दी गई एक्टिवेशन की टाइप करना होगी। उसे टाइप करके एंटर की प्रेस करें। अब यहाँ पर आपको टैली प्राइम को खरीदते समय आपने जो अपना ईमेल आईडी टैली कंपनी को दिया होगा वही ईमेल आईडी टाइप करना है। यहाँ हम आपको बता दें इस ईमेल आईडी को ही tally.net ID कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखें कि आप यहाँ वही ईमेल आईडी दें जो आपने टैली खरीदते समय दी थी। आपके इस ईमेल आईडी को आपके टैली अकाउंट से जोड़ा जाएगा और भविष्य की सारी सूचना और लाइसेंसिंग से संबंधित गतिविधियों के लिए इसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करें। ऊपर टाइप किए गए ईमेल आईडी को कंफर्म करने के लिए उसे यहाँ पर फिर से टाइप करें। आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही देखिए अनलॉक लाइसेंस स्क्रीन आ गई है जिसमें हमें अनलॉक की टाइप करना है और इसके नीचे छोटे अक्षरों में ये भी लिखा है कि ये अनलॉक की आपके किस ईमेल आईडी पर भेजी गई है। आप अपने ईमेल को चेक करें और टैली की तरफ से आए हुए ईमेल में जो की दी गई है वो यहाँ पर टाइप करें।
यदि मेल पर किसी वजह से अनलॉक की प्राप्त नहीं हुई है तो यहाँ पर दिखाई दे रहे गेट अनलॉक की पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपको अनलॉक की फिर से भेज दी जाएगी। की टाइप करने के बाद अपना लाइसेंस अनलॉक करने के लिए एंटर प्रेस करें। ये देखिए मैसेज आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, यानी बधाई हो, आपका लाइसेंस सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो चुका है। अब आगे काम करने के लिए एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही आपको सिलेक्ट कंपनी की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शंस के बारे में हम आपको आगे की वीडियोस में डिटेल में बताएंगे।